Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution Channel. Friends, Countif formula के बारे में सीखेंगे कि Countif formula का use हम किस प्रकार से कर सकते हैं. तो आइए सबसे पहले इसको resize कर लेते हैं और मेरे साथ बोलिए Alt H O I, Alt H O I. तो ये हो जाता है resize, sorry ये resize हुआ नहीं. यहाँ पे name of student लिखना है हमें, name of स्टूडेंट ये दे दिया हमने. ठीक है, अब चूंकि काउंटिंग फॉर्मूला सीखना है तो ये डेटा बनाना होगा. अब यहां पे बोलिए अल्ट एच ओ आई, तो ये हो गया रिसाइज. ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट हमें यहां पे देना है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, डिलीट कर देता हूं और यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट दे देता हूं राम श्याम सीता गीता वरुण सुमित. ठीक है, इतने नाम हैं हमारे पास. इसके बाद यहां सब्जेक्ट के नाम लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूं बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स पी एच वाई एस आई सी एस. ठीक है, इसके बाद आता है आपका हिंदी, यहाँ पे मैं हिंदी की जगह कंप्यूटर लेता हूँ. ठीक है, और उसके बाद आता है आपका एक दो तीन चार एक सब्जेक्ट और इंग्लिश ई एन जी एल आई एस एच. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. अब इन सबको एक साथ सेलेक्ट कीजिए और एक ही बार में रिसाइज कर डालिए. अल्ट मेरे साथ बोलिए अल्ट एच ओ आई, तो ये हो गया रिसाइज. अब इसको रिसाइज करने के बाद हमें क्या करना है, इनका जो है टोटल बनाना है, यानी ऑप्टेंड बनाना है, ओ बी टी ए आई एन ई डी. ठीक है, ऑप्टेंड बनाना है, तो ऑप्टेंड कैसे बना सकते हैं आइए देख लेते हैं. तो ऑप्टेंड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ नंबर चाहिए होंगे हमें, तो नंबर हम लेके आते हैं रैंड बिटवीन से. ये फॉर्मूला सिर्फ सिखाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है. ठीक है, इसका आप रिजल्ट बनाने वगैरह में यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, ये सिर्फ सीखने सिखाने के लिए है. चूंकि मुझे यहाँ नंबर चाहिए इमिडिएटली, तो मैं यहाँ पे नंबर लेके आ सकता हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप और बॉटम, तो पहले बॉटम लिखा हुआ है, तो बॉटम माने सबसे छोटा नंबर जो लड़का पाएगा सबसे कम उसको कितना देंगे, और फिर जो सबसे टॉप में लड़का पाएगा उसको कितना देंगे, दोनों मैंने दे दिया. एंटर प्रेस किया तो यहाँ एक नंबर आ गया है, और इसको यहाँ से हम क्या करेंगे ड्रैग कर लेंगे, तो ये जो है हर एक कॉलम में नंबर्स भर जाएंगे उनके बीच के जो दो नंबर हमने तय किए थे. इसके बाद इसको कॉपी करेंगे, फिर देन पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और वैल्यूज बना देंगे. चूंकि ये फॉर्मूला है तो ये बार बार बाहर क्लिक करने से चेंज होगा, हम नहीं ऐसा चाहते कि चेंज हो, तो इसलिए ऐसा हमने किया. अब यहाँ पे टोटल निकालना है हमें, ऑप्टेंड निकालना है, तो सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं. बस हमारा काम हो गया है, आप देख सकते हैं एंटर प्रेस करते ही यहाँ टोटल मार्क्स आ गए, ऑप्टेंड मार्क्स, और यहाँ कंट्रोल डी प्रेस करते ही ये सबके नंबर्स आ जाएंगे. तो ये एक फॉर्मूला है. ठीक है, इसके बाद अब हम काउंटिव फॉर्मूला देखेंगे, और काउंटिव फॉर्मूले की मदद से तो आप अटेंडेंस शीट भी बना सकते हो. ठीक है, अटेंडेंस शीट का एक वीडियो मैंने डाल रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं. फिलहाल ये वीडियो जो है काउंटिव फॉर्मूले का ही है, तो काउंटिव के बारे में आइए समझते हैं. यहाँ पर निकालना, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है पास्ड इन सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट में ये पास हैं ये निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पास्ड इन सब्जेक्ट, तो यहाँ लिख दिया हमने अल्ट एच ओ आई दबाइए, तो ये रिसाइज हो जाता है. इसके बाद इज इक्वल टू का निशान बनाइए और अब पास्ड इन सब्जेक्ट. तो काउंटिफ का फॉर्मूला देखिए, कई तरीकों से फॉर्मूला लगाया जा सकता है. यहाँ पर एफ एक्स पे क्लिक करिए और यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ तो काउंटिफ दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए काउंटिफ न दिख रहा हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे सी ओ यू एन टी आई एफ काउंटिफ, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ ऊपर काउंटिफ दिखने लगेगा. ठीक है, और ओके प्रेस करिएगा तो यहां पर आएगा रेंज. तो रेंज हमारी क्या है, ये है हमारी रेंज यहीं तक. ठीक है, और उसके बाद यहां पे क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो यहां पे क्राइटेरिया दे दीजिए 32. ठीक है, तो यहां पे देखिए पांचों सब्जेक्ट में ये पास हैं, देख सकते हैं आप 33 से किसी में भी कम नहीं है मार्क्स, तो पांचों सब्जेक्ट में ये पास हो गए. अब ये देखिए इनके मार्क्स जो है एक बार 33 से कम है तो ये फेल हो गए. ठीक है, तो ये पास्ड इन सब्जेक्ट हम काउंटिफ से हमने निकाला. अब फेल्ड इन सब्जेक्ट निकाल के दिखाता हूं, एफ ए आई एल ई डी फेल्ड इन सब्जेक्ट सब्जेक्ट. ठीक है,
ये हम निकालेंगे इससे, तो इसको भी रिसाइज करते हैं। इस बार यहां से रिसाइज करके दिखाता हूं, इज इक्वल टू सी ओ यू एन टी आई एफ काउंटिफ, ये लगा दिया हमने। और फिर यही यहां से यहां तक इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे और उल्टा लगाएंगे, यानी लेस देन का निशान बनाएंगे। लेस देन किससे लेस देन हो, 33 से लेस देन हो वो नंबर हमें चाहिए, 32 से ग्रेटर देन पहले हमने लगाया था, ठीक है। अब लेस देन लगा रहा हूं, इंटरप्रेस करूंगा, यहां पे देखिए डबल इनवर्टेड कॉमा में ये रहेगा, ये छूट गया है, इंटरप्रेस करिए तो ये देखिए ये जीरो सब्जेक्ट में फेल है। और ये देखिए जो भी लोग फेल हैं उनकी क्राइटेरिया यहां पर आ चुकी है। इसको मैं थोड़ा और अच्छा बना देता हूं, व्यवस्थित कर देता हूं, यहां से इसमें बॉर्डर्स बना देता हूं, ठीक है। और इसके बाद देख सकते हैं आप किस तरीके से ये आया हुआ है। तो उम्मीद है ये काउंटिफ का फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें चैनल को, हमारे चैनल का नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।